खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। महिला सरकारी कर्मचारियों पेंशन धारकों को सरकार ने दी क्या राहत? पोस्ट ऑफिस में नए साल में मिल रही क्या नई सुविधा? व्हाट्सएप ने क्यों बैन किए 72 लाख अकाउंट्स, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में है चीनी। दो प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन कम रहने से चालू 2023-24 सीजन के पहले 3 महीने में देश का चीनी उत्पादन 7.7% घटकर 112 लाख टन रह गया है। सहकारी संस्था NFCFS ने यह जानकारी दी है। चीनी सीजन 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन 121.35 लाख टन रहा था। NFCFS ने चीनी सीजन 2023-24 में देश का कुल चीनी उत्पादन 305 लाख टन रहने का अनुमान लगाया है, जो चीनी सत्र 2022-23 में प्राप्त 330.90 लाख टन चीनी से कम है। चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। अब महिला कर्मचारी अपने फैमिली पेंशन वाले फॉर्म में पति के बदले बच्चों का नाम भी नॉमिनेट कर सकती हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से वैसी महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा जिन्हें किसी वजह से पति से विवाद के बाद बच्चों के साथ रहना पड़ता है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला कर्मचारी वैवाहिक विवाद के मामले में पति के बजाय अपने बच्चों या बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकेंगी। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है। अगर किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की जीवित पति या पत्नी है तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन क्रय करना आसान नहीं होगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ों की जमीन बचाने के लिए राज्य के निवासियों के अलावा बाहरी लोगों के खेती और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार यह अंतरिम प्रतिबंध सिर्फ खेती और बागवानी की जमीन पर लगाया गया है। इस बैन की मदद से राज्य के निवासियों के हित सुरक्षित रखे जा सकेंगे। साथ ही एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो कि जमीन से संबंधित कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। सभी जिलों के DM को निर्देश दिया गया है कि वो किसी अन्य राज्य के निवासी को कृषि या बागवानी के लिए जमीन की बिक्री की मंजूरी ना दें। आने वाले दिनों में जिस भी बैंक का नेट NPA 6% से कम होगा, केवल वही बैंक अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देने की घोषणा कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने डिविडेंड घोषित करने को लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है। साल 2005 के नियम के तहत पहले जिस बैंक का NPA 7% से कम था, केवल वही डिविडेंड देने की घोषणा कर सकते थे। RBI ने बताया कि वित्तीय स्थिरता के लिए लाए गए बेसल 3 स्टैंडर्ड PCF फ्रेमवर्क में संशोधन और खास मकसद के लिए अलग बैंकों की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड से जुड़े नियमों की समीक्षा कर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की कुछ FD पर इंटरेस्ट बढ़ाया है। बैंक ने कुछ अवधि की FD पर ब्याज दर घटाई भी है। FD की नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। बैंक ने 180 दिन से 270 दिन वाली FD पर ब्याज की दर को 5.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। बैंक ने 271 दिन से लेकर 1 साल से कम अवधि वाली FD पर ब्याज दर में 45 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। बैंक ने 400 दिन वाली FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 7.25% किया है। वहीं 444 दिनों वाली FD पर ब्याज दर में 45 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो आपके लिए नए साल पर एक गुड न्यूज है। दरअसल नए साल पर आम लोगों को डिजिटल इंडिया मिशन से जोड़ने के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस ने नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत देश में पहली बार डाकघरों में ई स्टैंप की सुविधा मिल रही है। ये पोस्ट ऑफिस की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाक विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में यह सुविधा शुरू की है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में।
इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि व्हाट्सएप ने नवंबर 2023 में यूजर्स की शिकायतों और नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट्स बैन किए हैं। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने पर बैन किया गया है। इसकी जानकारी कंपनी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के अनुसार पब्लिश की गई मंथली रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 1 से 30 नवंबर 2023 के बीच 71,96,000 भारतीय यूजर्स के अकाउंट बैन किए हैं। इनमें से यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले 19,54,000 अकाउंट्स पर एक्टिव रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी नाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।